तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर सत्ता के गलियारे में सनसनी फैला दी है। वहीं सुकेश के इस लेटर को लेकर बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जबकि खुद को ईमानदार पार्टी बताकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार लेटर बम से नई मुसीबतों में फंस गई है। तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर से महाठगी, जेल में ठग को ठगने वाला महाठग कौन? सुकेश चंद्रशेखर का लेटर बम, सियासत में भूचाल। सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है। जेल में बंद रहकर महाठगी को अंजाम देने वाला, बॉलीवुड की कई हीरोइंस को अपनी शानो शौकत का दीवाना बनाने वाला, करोड़ों रुपए के तोहफे देकर अभिनेत्रियों को अपने इशारे पर नचाने वाला सुकेश चंद्रशेखर खुद महाठगी का शिकार बन गया। देश के सबसे बड़े महाठग के नाम से मशहूर और एक समय आम आदमी पार्टी के बेहद करीब रह चुके सुकेश चंद्रशेखर ने ऐसा लेटर बम फोड़ा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी के चेहरे पर कालिख पुत गई। जेल में बंद सुकेश ने उपराज्यपाल को भेजे गए पत्र में आम आदमी पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। दरअसल 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगाया है। एलजी को लिखे पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर ठगी का आरोप लगाते हुए 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया है। शेखर एक कॉनमैन है, कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहार जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया, बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। सुकेश ने आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन ने जेल में प्रोटेक्शन के नाम पर उससे 10 करोड़ रुपए लिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एलजीवी के सक्सेना को पत्र लिखकर जैन पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश के मुताबिक ये रकम सत्येंद्र जैन ने 2 से 3 महीने के अंदर वसूले हैं। इससे पहले वे आपको 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा दे चुके हैं। इसके बदले आपने दक्षिण भारत में अहम पद देने का वादा किया था, साथ ही आपने राज्यसभा में भी भेजने का भरोसा दिया था। सुकेश चंद्रशेखर के इस आरोप के बाद एक और जहां बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक है, वहीं गुजरात में चुनावी कैंपेन कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इसे बीजेपी की सियासत से जोड़कर हमला बोला है। लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कम्प्लीटली फिक्टिशियस, कम्प्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर। बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 18 अक्टूबर को ही दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को लेकर उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि एलजी को लिखे गए पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने 2015 से ही सत्येंद्र जैन से जान पहचान होने की बात कही है। वहीं चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया है कि जेल में बंद सत्येंद्र जैन तिहाड़ में उनसे मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।